हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। खोला मैंने फ्लिपकार्ट। जैसे आप फ्लिपकार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट की लाइन दिखाई दे रही होगी साइड में। ये थ्री डॉट की लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे माय अकाउंट में आ जाना है। माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। माय अकाउंट पे आप जैसे आओगे तो यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा आपका, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड आपका टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना टाइप कर देता हूँ। जैसे पासवर्ड डालोगे तो कंफर्म डीएक्टिवेशन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे कैंसिल और ओके पूछेगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, अकाउंट डीएक्टिवेट सक्सेसफुली। तो इस तरह से आप अपना फ्लिपकार्ट का अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। वीडियो और देखने के लिए धन्यवाद।